नमस्ते मित्रों, निसर्ग ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज जो है हम रस कीटक सूचक है जो हमारे फार्म में हमारे जो प्लांट है उसमें रस का सूचन करते हैं, इसको इस जंतु को हम कैसे बिना स्प्रे किए, कोई पंप ना उठाए, कोई भी दवा नहीं डाले, ऑर्गेनिक पद्धति से, नेचुरल पद्धति से कैसे इसको मार दे, कैसे इसको पकड़े और मार दे, उसका एक यंत्र जो है वो छोटा सा जुगाड़ जो है हमने किया हुआ है। तो जुगाड़ को हम आपको दिखाएंगे, आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलो हम उस बताते हैं अपने फार्म पर जाकर कि भाई कैसे करते हैं। तो हमने जो है वो ये एक जो ऑयल आता है हमारा उसका डब्बा लिया है पूरा, जो उसमें जो है वो हमने ऐसे प्लास्टिक नीचे लगाया दिया है और ऐसे ऊपर भी एक जो है देखो आप इधर वो करके हमने प्लास्टिक लगाया हुआ है। तो ऐसे प्लास्टिक बांध के आप ऐसे दोरी बांध कर ऐसे रख सकते हो। उस इसके ऊपर जो है वो हमने दिवेल का जो है वो तेल लगाया हुआ है। देखो आप ये दिवेल का तेल है वो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो उसमें जो मक्खी आएगी, जो भी रस सूचक जीवात है, सफ़ेद माखी जो आती है ना सफ़ेद, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो हमारे अभी मोरिंगा बोया था तो उसमें सफ़ेद वो माखी जो है रस सूचक है वो बहुत आ गया था। तो उसके लिए हमने जो है वो ऐसा यंत्र बनाया और हमको अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके लिए जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम कैसे रिजल्ट मिलता है, आप कर सकते हैं। ये करने से हमको बहुत बहुत फायदा मिलता है। हम फार्म में जाकर आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं और बाद में उसका क्या क्या फायदा है कैसे हम आपको दिखाएंगे। चलो दिखाते हैं। जो हम फार्म में आए हैं आपको बताया है ऐसे करना है। तो उसको जो है वो ऐसे ऊपर डाल देना है, डालने के बाद थोड़ा ऐसे ऐसे करना है। तो जो भी ये छोटी रस सूचक है वो सब आपको वो दिख जाएगी। देखो आप हमारे ऊपर कितनी ये चिपक गई है, देखो तो इतनी चिपक है, करोड़ों में है, करोड़ों में चिपक गई है। देखो अंदर तुम पूरा फार्म में जो है ऐसे करेंगे तो उसमें टाइम की बचत होगी। पहले जो आप लेबर लगाते हैं, स्प्रे करते हो, तो स्प्रे करने से क्या होता है, ज़्यादा स्प्रे करते हैं आपकी दवा भी लगती है, दवाई भी अभी सस्ती नहीं है। और ऑर्गेनिक बनाने पे बनाएंगे तो भी इसमें रिजल्ट जो है इतना आता नहीं है पूरा। और जो है वो इसको आप समझो कि वो स्प्रे करते जाएंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो है वो लेबर लगेंगे, आपका खर्चा होगा। तो उस खर्चे को जो है वो मेंटेन करते हैं अच्छी तरीके से, और खर्चा जो है वो बहुत कम आता है। और उससे दूसरी बात ये होती है कि आप जब स्प्रे करते हैं तो उड़ जाती है, और उड़ने से वापस इधर स्प्रे करते हैं तो उधर चली जाती है। उधर आप जो है इधर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, इसे उड़ के जो है दूसरी जगह चल जाती है, दूसरे से आप स्प्रे करेंगे उधर चली जाएगी। तो वो करने से आप वो पकड़ में नहीं आएगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप दो बार स्प्रे करेंगे, तीन बार स्प्रे करते ही जाएंगे, खर्चा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये अपनी जो है मित्र कीटक है वो मरते नहीं है, क्योंकि वो दिन में ये उसको जो है मारने के लिए आते नहीं। और मित्र कीटक जो है वो थोड़े बड़े होते हैं, छोटे होते नहीं है, तो उसमें चिपकते नहीं है। तो ऐसे मित्र कीटक भी बच जाते हैं और इसमें छोटे जो रस सूचक है वो मर भी जाते हैं। अब ऐसे मुख धोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं आप ही। तो देखो हम आपको वो दिखाते हैं अब इसके अंदर क्या हो रहा है। वो आप देखिए, अभी हमने ये डालते नहीं है, हम सिर्फ इसको हिलाते हैं तो कितने जो है वो रस सूचक है इसमें हम आपको दिखेंगे। देखो एक में लगभग पांच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं वैसे भी लोगों को ये वीडियो दिखाया तो उसको भी ये फायदा होगा। हमारे साथ जुड़े, नमस्कार।